दोस्तों एक अपडेट निकल कर आ रही है, सरकार बढ़ाएगी पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा, आपको होगा बड़ा फायदा। दोस्तों क्या है ये पूरी न्यूज, इस न्यूज के बारे में पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। पंजाब मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में अपने योगदान को बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% करने का सोमवार को फैसला किया। पहले यह 10% था। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा कुछ महीने पहले उठाए गए कदम के अनुरूप है। सरकार ने बयान में कहा है कि बढ़ा हुआ योगदान 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा। कर्मचारी संघों की मांग के बाद NPS में सरकार के योगदान को 4% बढ़ाया गया है। इससे सरकार पर सालाना 258 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के 353,074 कर्मचारियों में से 152,646 कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुरूप है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए सभी कर्मचारियों को मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी का लाभ देने पर भी सहमति जताई है। दोस्तों एक राहत भरी खबर है NPS के अंशधारकों को लेकर। यहाँ पर सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है। पहले सरकार अंशदान किया करती थी 10%, जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 14%। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग कौन सी पेंशन स्कीम को सपोर्ट करते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम या फिर नई पेंशन स्कीम। नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए OPS या फिर NPS, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी। थैंक यू।